आप लोगों को इस वीडियो में आपको सिखाने वाला एक डब्बे से इस मिनी कूलर को हम यहाँ पर बनाएंगे, वो भी जुगाड़ के तौर पर और घर पर ही बनाएंगे। तो इस डब्बे का मैंने इसके लिया है, तो इसे हम इसके मार्किंग करके इसे हम काट लेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसका कूलर के साइज़ का बन सके। तो यहाँ पर हम फटाफट से इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका रखने वाला है 9 इंच तक इसका साइज़ रखेंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से इसके अंदर लगा सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मार्किंग करेंगे और इसे हम काट लेंगे। अगर आपके पास इससे भी बेहतर जुगाड़ है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा या इसका इमेज ज़रूर सेंड कीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं इसी प्रकार का वीडियो लेके आ सकूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से इसे मार्किंग कर रहा हूँ और फटक से इसे हम काट लेंगे, ताकि हमारा जो समय है वो भी बचे और अच्छी तरह से आपको वर्क करना आ जाए। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि आपको इसकी सेटिंग करना या इसकी वायरिंग करना या इसे कटिंग कैसे किया ये आपको दिखाने में या देखने में मज़ा आ जाए। तो यहाँ पर मैंने पूरी तरह से चारों तरफ से इसकी मार्किंग करी है। अब इसे हम अच्छी तरह से काट लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक ग्राइंडर की सहायता से इसे काटने वाला हूँ, जो कि ड्रिल मशीन की सहायता से मैंने इसे बनाया है। तो मैंने इसलिए वीडियो को पॉज किया था, ताकि हमारा समय जो है पूरी तरह से बचे। और इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इसे काट लिया है। जो नीचे का जो हिस्सा दिख रहा है आपको, उस हिस्से को हम यहाँ पर ट्रे के तौर पर इसे यूज करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पानी का फ्राव भरेंगे। देख रहे हो, 3 साइड से मैंने इसे काट लिया है और एक साइड जो बची है उसे हम गोलार्ध काट लेंगे। और इसका जो ब्लेड जैसा धार बनी होती है, उस ब्लेड को हमने यहाँ से घस के अच्छी तरह से इस जाली को भी देख रहे हो किस प्रकार से यहाँ पर हमने बनाया है, जो कि 2 जालियों के बीच में हमने इसके अंदर घास का पेपर लगा दिया है। तो मोटर को हमने इस प्रकार से सपोर्ट किया है। अब यहाँ पर हम इसी होल लगा के इसे हम फिट करेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर फिट करना है, ताकि वाइब्रेशन इसके अंदर होता है तो ये पूरी तरह से परफेक्ट बैठना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने यहाँ पर फिटिंग की है। आप बारीकी से इसकी वायरिंग की और इसके साइज की, जो कि हम इसके प्लेट को यहाँ पर अच्छी तरह से फिट करेंगे, जिससे अंदर से इसे हम फिट करेंगे, ताकि इसका जो वाटर है वो पूरी तरह से नीचे ट्रे में ही गिर जाए। नहीं तो साइड से लगा दिया तो बाहर इसका वाटर गिर सकता है। इस कारण से हम इसके अंदर स्क्रू की सहायता से इसे मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने इसका टेस्ट भी आपके सामने दिखा रहा हूँ। देख रहे किस प्रकार से इसके अंदर वाटर जो है सप्लाई हो रहा है और फैन भी अपना जो है पूरी तरह से यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो रहता है पीछे के जाली का, तो उसे हम इसको भी स्क्रू की सहायता से यहाँ पर पैक करेंगे। और इसकी टेस्टिंग जो होती है वो परफेक्ट टेस्ट है। इसका जो ठंडाई होती है पूरी बड़े कूलर की तरह है, और मिनी कूलर किसी भी जगह पर बैठ जाएगा। ये 12 वोल्ट पर चलता है, कम से कम वोल्ट पर भी चलेगा, आप बैटरी पर भी इसे चला सकते हो। देख रहे हो इससे पानी कैसे इसके अंदर आ रहा है। तो आप सोच रहे हो कि ठंडा आपको रूम का करेगा ही, आपके टफरी या आपके किसी और चीज़ की जगह पर इसे हम लगाएंगे। तो यहाँ पर स्प्रे का जो मोटर होता है उसका मैंने यहाँ पर यूज किया है। दोनों मोटर को एक साथ बांध दिया है, ताकि पानी में इसके अंदर ना जाए और ये मोटर भी ख़राब ना हो, क्योंकि वाटरप्रूफ मोटर्स नहीं होती है। जो वाटरप्रूफ है इसके अंदर नहीं लगाए हैं मैंने दोनों ही मोटर।